हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीता के दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक। आप सभी को गणेश पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। बताऊंगी मैंने कैसे बनाया। पहले तो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए। उससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। बताऊंगी कैसे बनाया। पहले तो हमने ले लिया है 1 कप राइस फ्लोर, हमने 1.5 कप लिया है वाटर, उसके बाद 1 पिंच लिया है सॉल्ट और 1 टेबलस्पून लिया है घी। एक कढ़ाई पैन चढ़ा दिया हमने, उस पर हमने डाला है 1 टेबलस्पून घी को, उसको गर्म होने देना है। उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, उसको बहुत ही अच्छी तरह बॉईल होने देना है। बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद हम थोड़ा सा, अभी हम बॉईल आ चुका है हमारा जो वाटर हमने रखा था बॉईल आ चुका है, अभी क्या करेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और जितना भी हमने पानी रखा था 1.5 कप उसको भी डाल देंगे, उसको भी बॉईल होने देना है बहुत अच्छे से। हमने डाल दिया है पानी, उसके बाद इसको भी बहुत ही अच्छी तरह बॉईल होने देना है। अभी हम थोड़ा सा जो 1 पिंच रखे थे सॉल्ट उसको भी डाल देंगे। भगवान की प्रसाद में ये सॉल्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आजकल तो डाल के बनाते हो उससे बहुत ही अच्छा टेस्टी आता है। आप देख सकते हैं इस तरह। उसके बाद हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, अभी हम धीरे से राइस फ्लोर को डालेंगे स्लो फ्लेम करके। देख सकते हैं आप इस तरह धीरे 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 डाल के बहुत अच्छी तरह मिलाना है। बहुत अच्छे से मिलाएंगे और इसको स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकने देंगे बहुत ही अच्छी तरह। देख सकते धीरे धीरे मिला रही हूँ और बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा। अभी हम क्या करेंगे, इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक रख देंगे, तभी हमारा बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। बहुत अच्छे से हो गया है जितने भी दिख रहा है। अभी हाथों से हम प्रेस करेंगे ना, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, रेडी हो जाएगा हमारा जो मोदक के लिए बटर है। इसको हम थोड़ी देर क्लोज कर देंगे, क्लोज करके इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्लो फ्लेम पे 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट होने के बाद इसको निकालेंगे। 5 मिनट हो चुका है हमारा, अभी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा पानी डाल के बहुत ही अच्छी तरह मिलाना है। अब देख सकते हैं मैं किस तरह मिला रही हूँ, इस तरह ही मिलाना है। और फिर भी देखिए बहुत ही अच्छी तरह आटा जैसा डो नहीं बना है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट डो बनाना है, तभी हमारा मोदक जो है नहीं फटेगा। देख सकते कितना अच्छे से बना है, देख सकते हैं। इसको थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 5 से 7 मिनट तक क्लोज करके, इसका लिड क्लोज करके क्लोज करेंगे इसको और रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, हमने जो कोकोनट लिया है और जैगरी और ले लिया है कार्डमम और घी, इसको हम मसाला बनाएंगे मोदक का। अभी एक प्यालर है उस पर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी। उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो कोकोनट लिया था उसको डाल देंगे, उसको भी बहुत ही अच्छी तरह गरम कर देंगे और हम डाल देंगे कोकोनट को, क्रश किया हुआ कोकोनट को, फ्रेश कोकोनट मैंने लिया था बहुत ही अच्छी तरह, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसको एक बार चला देंगे हाथों से, हल्के हाथों से,
उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह मिलाएंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर पकने देना है, जो नारियल का मॉइस्चर रहता है वो निकल जाए तब तक हम पकाएंगे। उसके बाद हमने डाल दिया है जैगरी को, गुड़ को डाल दिया है। अब चाहें तो चीनी भी डाल के बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रसाद बनता है वो चीनी बिल्कुल नहीं डालता है, सिर्फ गुड़ पे बनता है। बहुत अच्छे से मिलाएंगे और आप देख सकते हैं इसको थोड़ी देर पकने के बाद हमारा जैगरी जो है हमारा कोकोनट के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छे से मिला देना है और पकने देना है इसको। कुछ देर बाद ये भी रेडी हो जाएगा हमारा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकने के लिए, जल्दी से पक जाता है। रेडी हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। अभी 5 से 7 मिनट के बाद बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और अभी रेडी हो चुका है हमारा जो मसाला है मोदक का। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह रेडी हो चुका है हमारा मोदक वाला मसाला। और हम अभी क्या करेंगे, मोदक का मेकर लेके हम बनाएंगे। अगर आप ऐसे ही खाली से बनाना चाहे तो वो फट सकता है, मोदक का मेकर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह बन जाएगा। पहले तो घी से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद हमने जो रखा है राइस का बैटर उसको धीरे से डाल देंगे, ऐसे गोल करके। डालने के बाद उसको चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। आपके पास नहीं है तो प्लास्टिक का भी मिल रहा है, इस तरह सिल्वर का भी मिल रहा है, जिस तरह आप चाहें वो लेके आ सकते हैं, उससे बहुत अच्छा बन सकता है। बिल्कुल भी हाथों से मत बनाइए, हाथों से बहुत फटता है, अच्छे से नहीं बनता है। अभी क्या करेंगे, हमने जो मोदक का मसाला बनाया था उसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से मसाला को भी डाल देंगे 1 टेबल स्पून को। और इसको बहुत ही अच्छी तरह वही बैटर से हम क्लोज कर देंगे। देख सकते हैं आप, हमने डाल दिया है मसाला। अभी इसको वही राइस के बैटर से हम क्लोज़ करेंगे बहुत ही अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी डाल कर क्लोज़ कर देना है, बहुत अच्छे से क्लोज हो जाएगा ये। और इसको एक बार टाइटली प्रेस करना है, जैसे भी थोड़ा इधर उधर बाहर आना है तो आ जाएगा, और धीरे से निकालना है। देख सकते हैं आप, हम धीरे से निकालेंगे इसको, बहुत जल्दी बन जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है, कितना सही बना है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। रेडी हो चुका है हमारा मोदक पूजा के लिए। आप चाहे तो पूजा के लिए बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसको। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टीम देंगे 15 मिनट के लिए। अभी हमने पानी डाल के एक बाउल पे रख दिया है, उस पे हमने एक छन्नी जैसा बाउल लेके उसमें हमने मोदक डाल दिया है एक एक करके। इसको हम क्लोज करके 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट पकाने के बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 15 मिनट के लिए कुक करना है। 15 मिनट हो चुका है हमारा। 15 मिनट होने के बाद बहुत अच्छे से पक चुका है, लेकिन इसको अभी नहीं निकालना है, थोड़ी देर बाद निकालेंगे, ठंडा करने देना है। उसके बाद हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून मिल्क को, उसमें हमने साफ्रन डाल के इसको कलर चेंज करना है, दूध का चेंज हो चुका है हमारा। मिल्क का जो कलर है येलो हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं हमने जो रखा था 5 मिनट के लिए गैस ऑफ करके, वो हमारा जो है मोदक रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं,
अभी धीरे से निकाल देंगे ठंडा होने के बाद। अब क्या करना है, अभी आप हमने जो दूध और साफरन को मिला के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे स्पून पे डालना है, उससे जो गणेश चतुर्थी पे आप भी बनाइए और बताइए कैसा लगा ये रेसिपी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।